अस्सलाम वालेकुम पाक अकेडमी में सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो है रेशियोज़। तो रेशियोज़ को हम इस तरह लिखते हैं। आज का एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि रेशियोज़ क्या होते हैं और उनको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन करती लिखती हूँ मैं 18:6 एक्स को हम सिंपली कैसे लिखेंगे। 18/6 सिक्स 1 इज़ आर 6 और 6 3 इज़ आर 18। और रेशियोज़ को हम कितनी फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4। 4 टाइप्स ऑफ साइन द क्वेश्चंस ऑफ रेशियोज। तो ये 4 टाइप्स हैं जो हम रेशियोज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम ये देखें 18:6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें यही वाला आंसर आ गया इसका। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 18/6 तो फिर भी सेम आ गया। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 18/6 तो फिर भी ये ऐसे ही आंसर आएगा। रेशियोज़ को सिंपली हम ऐसे ही इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको हम माइंड में क्या रखते हैं कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है और इसको हम ये 4 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने माइंड में आसानी के लिए आप इन 4 मेथड्स को सेव कर लें। इस फॉर्म में हमें लिखा हुआ मिलेगा, इस फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, लेकिन इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। करेंगे हम इसको इसी तरह से, करना हमने इसको इसी तरह से है, लेकिन हमने अपने माइंड में रखना है कि ये डिवीजन है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है और इसको हम इन 4 मेथड से कर सकते हैं, ये जो मैंने 1 by 1 आपको बताए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रेशियोज़ था, मैथ सब्जेक्ट था। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।